दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। और मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। दिन के 2 बजने वाले हैं और अभी मेरा सारा काम हो ही गया, मतलब खाना पीना बन ही गया है और मेरा बेटा भी आ गया है। बस अब हमने खाना नहीं खाया है, बस खाना रह गया है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि बहुत दिन से मेरा कुछ काम रह गया था, मैं उस काम को पूरा कर रही हूँ। तो अभी आपको बताते हैं वो क्या काम है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो का आनंद ले। तो मैं आपको बताती हूँ क्या कर रही हूँ। तो दोस्तों, जिस काम की मैं बात कर रही हूँ वो काम है मेरा स्टिफन में। तो आज स्टिफन में मेरा 1 घंटा बर्बाद होने वाला। तो इसमें मैंने कर रखी है मलाई स्टॉक, जो कि बहुत दिनों से कर रखी थी। तो आज मैंने टाइम निकाल दिया, टाइम नहीं मिल रहा था बहुत दिनों से मुझे करने का, आलस आता ना मलाई निकालने में। तो अब मैं आज मैं निकाल इसे मलाई, जो कि बहुत दिनों से इकट्ठी हो गई है। तो इतनी मेहनत के बाद फाइनल दोस्तों मेरा मक्खन यहाँ पे निकलने लग गया है। अब आप तो ये देखो, हमारा मक्खन बन गया है। दिख नहीं रहा, यहाँ पर अंधेरा दिख रहा है ना, साफ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं होती है ना, लाइट कम है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा मक्खन बन गया है। तो अब मैं देखूंगी कितना बना, मैं अभी निकाल के दिखाऊंगी आपको कितना मक्खन बना है। तो ये देखिए गाइस, ये मैं निकाल दिया इतना मक्खन, और अभी नहीं ये आधा है, अभी इतने हो रहे अभी निकालने के लिए, क्योंकि जो ये इसमें ये कटोरा ना, अभी ये और निकाला मैंने, क्योंकि 2 कटोरे थे ना भरे हुए। तो अभी मैंने ये वाला निकाला है पहले, और अभी एक टिफन हो रहा है, अब मैं इसको निकाल, बड़ा वाला निकालूंगी इस, अब ये बड़ा निकलेगा। ये देखो इसमें इतनी मलाई है, और अभी मैंने निकाला है छोटे वाले का। तो छोटे वाले में काफी सारा मक्खन निकल गया है, और देखते हैं बड़े वाले में इसमें कितना निकलता है। दोस्तों, इतनी मेहनत के बाद मेरा घी निकल गया है, और मेहनत तो नहीं रखती है, लेकिन गलती मेरी है कि मैं इसको कुकर में बना रही, इसलिए मेरा ज्यादा टाइम लग गया है। मुझे पता होता मैं कुकर नहीं बनाती तो बहुत टाइम लग गया मेरा। तो आज तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि 1 किलो घी निकलने वाला है। कैसा लगा मेरा मजाक? 1 किलो नहीं निकलेगा, थोड़ा कम तो निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर, कुछ तो निकलेगा है ना। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको धोते साफ से। तो देखो दोस्तों, इधर सारा मक्खन निकल गया मेरा, एक टिफन का ये और एक टिफन का ये, और इसमें ज्यादा निकला है। जो छोटा कटोरा था उसमें ज्यादा निकला है, और जो बड़ा कटोरा था उसमें कम निकला है। ऐसा क्यों? ये बड़ा टिफन था तो इसमें कम निकला है, और ये छोटा था तो इसमें ज्यादा निकला है। ये मैंने अलग अलग इसमारे निकाले हैं, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी मलाई थी और इसका थोड़ा साइड कड़वापन आ सकता है मक्खन में, इसलिए मैंने ये अलग निकाला है। और ये थोड़ी ताजी मलाई थी अभी करंट की, तो मैंने इसको अलग कर, क्या ताकि थोड़ा ये खाने काम भी आए, इसमें सब मक्खन भी खा सके। तो इस मक्खन को हम खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ताजी थी और इसमें थोड़ा पुरानी थी। इसको मैं अलग इसमें थोड़ा खाने निकालूंगी, फिर मैं इसका घी बनाऊंगी। तो पहले तो मक्खन का स्वाद लेंगे, उसके बाद लेंगे घी का। वाओ, अमेजिंग। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के लिए खाना रख दिया है, और मैं जा रही हूँ दुकान में, और मेरा घी जब तक बन रहा है, मैंने मलाई रख वो मक्खन रख दिया है चूल्हे में। तो जब तक मक्खन में से घी बनता है, तब तक हस्बैंड जी खाएं खाना, और मैं जा रही हूँ दुकान में। तो ये तो खाना खा रहे हैं, लेकिन सबसे बात ये हो गई है कि मेरे बेटा आज नीचे ही नहीं आ रहा है कि मैं बना रही हूँ घी, तो उसमें थोड़ी स्मेल से आती है, क्योंकि वो ज्यादा दिन की रखी, ज्यादा दिन की हो गई थी, थोड़ा स्मेल की स्मेल आ रही है। तो उसको ना एलर्जी है उससे, उसने जब छोटा सा था उसने वो सूंघ ली थी बदबू उसकी, वो स्मेल, और तब से ना उसके दिमाग पता नहीं क्या बैठा हुआ उसके नाक में, और तब से ना वो घी खाता है। और खाने तक बात, तो उसने जैसे देखा कि मम्मी ये बना रही है, मैंने बुलाया उसको खाना खाने के लिए नीचे, तो जैसे ही उसने देखा कि मम्मी घी बना रही है, तो ऐसे भगा ना ऊपर, वो कहते नहीं मैं नहीं खा रहा, मैं ऊपर खा रहा हूँ। तो फाइनल दोस्तों, मैंने थोड़ी देर आराम कर दिया है, और खाना खाने के बाद मेरे सिर में फिर दर्द हो गया था, तो मैं लेट गई थी थोड़ी देर, वो भी अभी बिल्कुल 10 मिनट के लिए। तो आज तो मेरा बेटा नीचे नहीं आया है, आज बेचारा वो ना उसकी वो मैंने घी क्या बनाया आज, वो उसके डर के मारे नीचे नहीं आए बेचारा, उसको ऐसे दिमाग बैठा हुआ उसका मलाई उसकी स्मेल। मैंने वो भी रखा हुआ कढ़ाई में, क्योंकि उस टाइम तो गर्म था, लेकिन अब मैं उसको डब्बे में लाती हूँ भर के,
तो अभी देखते हैं कितना घी हमारा बना है। आज की मेहनत दिखाती हूँ मैं आपको कितनी बनी है। ओके तो फ्रेंड्स दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरा इतना घी बन गया है। तो मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आधा किलो तो हो गई, आधा किलो घी बन गया है मेरा। और एक और बात, ये ना भैंस की मलाई का है। पहले मैंने लगा रखा था गाय का दूध, तो गाय का दूध हमने बंद कर दिया है। और जैसे मतलब रिसु हुआ है मेरा बेटा 3.5 साल को हो गया है, तो तब से हमने गाय का दूध ही लगा रखा था उसके लिए। लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हमने अब गाय का दूध हटा के अब भैंस का लगा दिया उसके लिए। तो अब भैंस का दूध का मतलब मलाई मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, उसका मलाई का घी भैंस की। पहले तो मैं गाय का दूध को भी निकाल देती थी मलाई, गाय का दूध का घी भी निकाल देती थी मलाई का, तो उसकी तो हमने बतेरी मलाई खाई है, उसकी भी निकल जाती है बतेरी, लेकिन इसकी भी इसका घी थोड़ा ज़्यादा निकला है। और दिन के मुकाबले इसका घी थोड़ा ज़्यादा निकला है। तो अभी हस्बैंड जी को दिखाती हूँ क्या कहते हैं, क्योंकि घी सब ज़्यादा वही खाते हैं, मैं तो घी बिल्कुल छूती भी नहीं हूँ, मेरे को घी पसंद नहीं बिल्कुल भी नहीं। और हस्बैंड जी को घी चाहिए मेरे, दाल में बिना दाल के घी रोटी नहीं, वो नहीं खाएंगे रोटी या क्या चावल, वो दिन में दाल चावल के साथ घी जरूरी चाहिए, तो ये घी उनके लिए ही है। तो मैं उनको दिखाती हूँ अभी उनका क्या रिएक्शन रहता है। हस्बैंड जी को ये देखो मेरी आज की कमाई। वाह यार, वैसे देखा जाए ना तो सुबह से इतनी मेहनत करी तुमने, बस ये आधा ही डब्बा निकला है। देखना आधा डब्बा कितने का फर्क निकाल रहे। पर यार वाकई में ये जो डब्बा कम से कम घी कितने का होगा, ये आधा किलो घी पता कितने रुपए किलो घी, 1000 रुपए किलो, 500 घी है ये, 500 रुपए का घी आधा किलो ओरिजिनल घी है ना, 1000 रुपए किलो हमारे गाँव में। तो ये कौन सा ओरिजिनल, ये भी तो ओरिजिनल है, मतलब जो घी होता है ये तो मिलाएगा फिर भी जो घी होता है। चलो अच्छा अब ये बताओ, अब ये जैसे मतलब अभी से आप फ्रिज में रखोगे जमाने के लिए? नहीं जमा हुआ, क्या जमाना है, कहाँ जमा पड़ा, अभी तो पिघला पड़ा है। तरह तो पिघला खा लो क्या हुआ, नहीं इसको जमा के मैं देखना चाहता हूँ ना कैसा लगेगा, और छठ पड़ जाएगा जम जाएगा पेट तुम्हारे। तो ये घी था इनके लिए ही, क्योंकि मुझे घी पसंद नहीं, जैसे कि हमने बताया था मुझे घी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पीछे पड़ जाता घी खा घी खा, लेकिन मैं घी नहीं खाती। और मैं हूँ ये बिना घी के जो इनके गले में जाता है ना। दोस्तों पता क्या है, मतलब घी से ना एक एनर्जी और एक पावर मिलती है, बचपन से खाता हुआ आ रहा हूँ मैं। तो बस अब जाए हो गई मुलाकात। आई एम बहुत खुश हूँ, फर्स्ट टाइम मैं 10 साल घी बनाया। आई एम जोकिंग, कैसा लगा मेरा मजाक, बनाया है पर लेकिन इतना सारा नहीं बनाया। सच में हुआ कि मैं और घी की ना कम निकलती थी, लेकिन इसके थोड़ा ज्यादा निकली है भैंस की मलाई की, भैंस की। हाय दोस्तों, अब मैं आपको मिस ली हूँ सीधा शाम के मिलने वाले वैसे तो। तो हमने चाय चूसा पी ली है और हमारा बहुत कुछ क्या है, तो अभी यहाँ खाली बैठी थी, तो हस्बैंड जी कह रहे हैं कि मेरे आज तो लिफाफे बना, क्योंकि लिफाफे दुकान में खत्म हो रहे हैं, लिफाफे वाले हमारे आए नहीं हैं, तो मैं जा रही हूँ लिफाफा बनाने के लिए। मैंने कटिंग कर दी है, लिफाफों की कटिंग हो गई है, और मैं बनाऊंगी इनके प्यारे प्यारे लिफाफे। तो यहाँ पर लिफाफे बनाए दिए हैं, अब मैं लिफाफे उठाती हूँ और देखते हैं मेरे कितने लिफाफे बने आज के। तो अभी तो फिलहाल सूखने के लिए रखे हुए मैंने नीचे, और अब इस ब्लॉग में यहीं पे कर रही हूँ एंड। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।